अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज ख़ान। उम्मीद करती हूँ अपनी सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे। नासिम कहते हैं कि जब रस्सी बहुत सख्त हो जाए तो समझ लें कि ये टूटने वाली है। और इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलात आ गई हैं या बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कठिन सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा है, तो फिर आप अपना माइंड में कर लें कि अब इसके बाद आसानी आने वाली, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद दिन है। लेकिन उसके लिए एक उम्मीद का होना, होप का होना बेहद ज़रूरी है। और इस होप को, इस उम्मीद की किरण को अपने अंदर हरगिज़ मरने आपने नहीं देना। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, ज़रा मोटिवेशनल आगाज़ करेंगे, कैसे फ़िट रहा जा सकता है। क्योंकि जब हम फिट होते हैं, हम अच्छे बॉडी वेट में होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल होता है, अच्छा नीट क्लीन फूड खा रहे होते हैं, स्लीप टाइम पर कर रहे होते हैं, तो एक तो आई थिंक आप मेंटली बड़े पीस में होते हैं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन इसको करने के लिए, अच्छी बॉडी फिजीक पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तगोदो आपको करना पड़ेगी। क्योंकि फल तो तभी मिलता है जब उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जाए, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई जाए। आज की हमारी मेहमान फिटनेस ट्रेनर हैं, अपना जिम भी ओन करती हैं, खुद भी माशाल्लाह बहुत फिट है और दूसरों को भी फिट करने और रखने के हवाले से मोटिवेट करती हैं। नन अदर देन हमारे साथ जनाब जुनैरा मलिक इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जुनैरा। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम नबीहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक ग्रेट, फिट एंड हेल्दी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बजाय कि मैं रिवायती सवालात का आगाज़ करूँ, आपकी फ़िटनेस का मंत्रा क्या है, वो उस मेरे ख्याल से लोग सबसे पहले वो जानना चाहेंगे, उसके बाद आप लोगों को कैसे ट्रेन करती हैं और हमें क्या करना चाहिए आम आदमी को वेट लॉस के लिए या फिट रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए। बट उससे पहले योर फिटनेस मंत्रा। मेरा मंत्रा जो है वो है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे ख्याल से मैं इस फील्ड में आके पॉजिटिव हुई हूँ। अगर मैं पॉजिटिव ना हूँ ना तो मैं फ़िट ना हूँ। तो मेन चीज़ जो है आपकी पॉजिटिविटी, उसके बाद आपकी रूटीन, कि आपकी रूटीन क्या है। मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, फिर अपने जिम जाती हूँ, दूसरे जिम जाती हूँ, फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, रात तक मेरी लेट नाइट ऑनलाइन क्लासेस रहती है, यानी कि मैं एक्टिव रहती हूँ। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है। बिल्कुल। जो इंसान सुबह सवेरे उठता है और यू नो उसके पास एक गोल है, एक टारगेट है, you know, हाँ कि आज मुझे दिन भर ये सब कुछ करना है, you know, first of all you are honest with yourself and then you said ki positivity. जो अपने साथ honest नहीं है ना वो समझे भी, वो किसी के साथ honest नहीं है। अच्छा, morning में उठने से ये फ़ायदा होता है कि आपके कितने काम हो जाते हैं। और मुझे लगता है जब आप जल्दी उठते हैं, किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, सच्चे दिल से उठते हैं, तो आपको पता है कि अल्लाह ताला भी जो आपकी नीयतों का फल देता है, तो आपकी नीयत अच्छी है, इस पर उठना है, काम शाम करने है। एक सवाल, आपने कहा कि मेरा फिटनेस मंत्रा है पॉजिटिविटी, लेकिन आजकल जो माहौल है, जो सूरत हाल है, पॉजिटिव रहना तो बहुत मुश्किल है। यही तो टास्क है। तो कैसे अपने आप को पॉजिटिव करती हैं, उसकी मोटिवेशन कहाँ से लेके आती है? हम तो बस दूसरों को देख के हसद करते रहते हैं, जलते रहते हैं, उसके पास ये है, वो इतना फिट है, उसके पास ये गाड़ी है, उसका घर उस सोसाइटी में है, उसने वो वाला ब्रांड ले लिया, यू नो एक दौड़ लगी हुई है, सोशल मीडिया स्ट्रेस की वजह से। सो हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव? देखिए, मैं सांस लेना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, भेजा है, तो क्यों ना वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करे। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पॉजिटिव तब रहते हैं जब आपका इन्वायरमेंट बेहतर हो। और वो कहाँ से मिलता है? आपके घर से। मैं सुबह उठती हूँ, अपनी माँ को देखती हूँ, मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। मुझे अपनी पावर जो मिलती है ना, एक स्ट्रेंथ जो मिलती है, अपनी अम्मी से मिलती है। तो उनको देखना, उनसे मिलना, उनको हेड पे पप्पी करके निकलना, चाहे वो डांट के जो मर्जी करिए, मेरा मस्ट है कि मैंने उनको पप्पी करनी है और निकल जाना है। और पूरे रास्ते मैंने करना है, ये मिलना है, वो मिलना है, और जो मैं सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है। लेट मिलता है, मिल जाता है। मज़ा आ रहा है ये बात करके ना, कि यूजली हम जब भी फिटनेस की बात करते हैं तो हम फिजिकल ट्रेनिंग से ही आगाज करते हैं। और बिल्कुल वो बातें मैं भी सुन सुन के हम कर करके, यू नो आप सुबह उठें जी, आप एब्स के ये कर लें, सेट्स आप स्क्वाट्स कर लें, आप ये कर लें, यूजली यही। लेकिन ये मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअली फिटनेस की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। वो आपके एनवायरनमेंट, यानी कि घर से, कि घर का माहौल कैसा है। दूसरा, आप ऐसे लोगों से मिलो जो आपको एनर्जी दें। ऐसे लोगों से बिल्कुल ना मिले, उठे बैठे लेकिन बहुत कम कर दें, जो हर वक्त रोते रहें कि यार ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आप सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अब जो मेरी फील्ड है, मैंने 10 करोड़ लोगों से मिलना है, मेरी क्लाइंट्स हैं। डेली अगर मैं वही एक आम लड़की बन के उनसे मिलूँ, ये वो, तो कोई खूबसूरती नहीं है।
मेरे में एनर्जी होगी ना तो मैं अगले में मेंबर को एनर्जी दूंगी. एक मेंबर मोटी आ रही है, डिप्रेशन में आ रही है, वो आगे बेचारी डाउन है, तो मैं उसको डाउन नहीं करूंगी. मेरा फर्स्ट टारगेट होगा यार इसको मैंने एक्टिव करना है, इसको मैंने कैसे पॉजिटिव करना है. जब वो पॉजिटिव हो गई, जब मैंने कह दिया तुम स्मार्ट हो जाओगी, और उसने हो जाना है. अच्छा, जो चीज़ मैंने आपकी बातों से अभी तक जो मैंने अंडरस्टैंड की है कि सबसे पहले तो देखिए हमारा जो मेंटल पीस है या जो पॉजिटिविटी है या जिस होप का मैंने भी अपने वो प्रोग्राम के आगाज़ में कि वो होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत डेड सोल के साथ, लो एनर्जी के साथ, अब एक वो यू नो कंपैरिजन किसी के साथ लेके, नेगेटिविटी के साथ इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू जिम, या इस उम्मीद के साथ फिर आप आते हो कि अब मैं दुबली हो जाऊंगी या मैं वो अपने गोल अचीव, तो नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यहाँ से पॉजिटिव काम होना चाहिए. थोड़ा सा यू नो जो नेगेटिव वाइब्स हैं हमारी इन्होंने बहुत सारे कामों को यू नो हमने कितने अच्छा हमें अपने आप को अकेले को लेके नहीं चलना, हमारे साथ कितनी जिंदगियां हैं, कितने लोग हैं, उनको लेके चलना है. मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. अब के टाइम में आपको पता है कि कितनी महंगाई हुई हुई है, हर इंसान टेंशन में, काम नहीं चल रहा. तो क्या अगर आप उन्हीं चीज़ों को लेके बैठ गए. अच्छा, उसमें भी एक बड़े मज़े की बात यह है ना कि पहले तो सबसे पहले हमने दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना. बिल्कुल. दूसरों को दिखाने के लिए आपने, महंगाई है हम सबके लिए है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए आपने यू नो शोशा नहीं करनी, या दूसरों को दिखाने के लिए दुबला नहीं होना. यू नो मुझे एक चीज चाहिए, मुझे मेरे लिए चाहिए, मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. बिल्कुल. तो ये जो खवातीन आ जाती हैं ये स्ट्रेस लेके कि शौहर कह रहे हैं कि बहुत मोटी हो गई हो, सास ताना मार रही है सराउंडिंग्स में, ऐसी बच्चियां है, ऐसा है बहुत अभी तक है. बिल्कुल है. मैंने इस एज पहले मिलते ही आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या हाल है, अच्छी लग रही हो, सबसे पहले कहेंगे हाय कितना वेट गेन कर लिया, क्या कर रही हो भाई, काम ना डिस्टर्बिंग. ये बड़ा आलमदार होते हैं उन लोगों का जो तारीफ कर देते हैं. अब तो आप देखिए सोशल मीडिया पे कमेंट भी नहीं करेंगे, क्यों, रहने दो. वैसे मैं इस चीज से इतना तांगूं कि हम लोग इतने कंजूस हैं किसी को अप्रिशिएट करने के मामले में. कभी हमने किसी से मिला और हमने कहा कि यू लुक फ्रेश, यू लुक हेल्दी, यू लुक गुड, यू नो कभी नहीं हम कहेंगे. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, मेरे पास मैं एक मिसाल देती हूँ कि मैं एक पार्लर गई तो मुझे एक्नी इशू था. जैसे मैं गई हूँ, देखिए मैं गई हूँ जिंदा होने के लिए, कुछ चेंज आएगा, मैं जा रही हूँ कुछ. मैं गई तो लड़कियों ने ओहो नहीं आप ही ये वो. मैं बिल्कुल डाउन, खत्म. हाँ, वो जो टिपिकल एक सलून पे होता है कि आईब्रोज कहाँ से बनवाई थी, बाल कहाँ से कहाँ से मतलब सब कुछ ही मतलब खराब है ना. तो वहाँ से मैंने चीज सीखी. हाँ. कि हम अगले बंदे को अगर जिंदगी दे रहे हैं तो इसमें हमारा क्या जाता है, कुछ अल्फाज ही बोलने हैं ना, तो आप जिंदगी दे दें. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जरा टेक्निकल जरा गुफ्तगू पे आते हैं कि फिटनेस सब चाहिए. फिटनेस के लिए हर इंसान चाहता है कि यू नो वो अच्छा लगे, वो जो लिबास पहने उसमें जचे, लोग उसकी तारीफ करें, चाहे हमारे यहाँ लोग कंजूस हैं, बट इट्स ओके. आज हम आपको टिप्स देंगे. क्या दिनों में पतला हुआ जाता है, ये जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं 10 दिन में 5 किलो वजन कम हो जाएगा, इतने दिन में इतना हो जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारे यंग बच्चियाँ या यंग बच्चे आजकल यू नो उनके जो हैं वो सोशल मीडिया उस्ताद बने हुए हैं. पहले रूहानी उस्ताद हुआ करते थे, अब सोशल मीडिया उस्ताद हैं. तो इज़ इट पॉसिबल और वो हेल्दी है. अच्छा नबिया, मैं कहती हूँ कि अपने साथ ना एक कनेक्शन होना, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. हमने बहुत सी चीज़ें देख ली, तो क्या वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. अपनी बॉडी के सारे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है. आप जिम जाते हैं तो ट्रेनर कहता है बाइसेप लगाओ 20, ये इतना करो वो करो, वो कर ही जा रहा है. उसको नहीं पता कि मैंने कोर्स स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर जिस ट्रेनिंग में जो कर रहा हूँ वो मसल पे अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, किसी की बातें सुन के आपने कर लिया. आपने महसूस करना है कि अगर मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ तो क्या मेरी बॉडी उस लिहाज से बर्निंग फील हो रही है. जिस मसल को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो टारगेट हो रहा है, यानी कि बर्निंग हो रही है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा. किसी के कहने पे मत जाएं, आप अपनी बॉडी के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें. अच्छा सुनैरा, मुझे बताएं कि बॉडी पे स्टबर्न फैट कब आता है और क्या उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है. बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है कि पतला होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है. आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करनी है, अच्छा वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट लेनी है, और हल्का फुल्का जॉगिंग करें,
वॉक भी नहीं, मेरे नज़दीक जो वॉक है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि हर बंदा आजकल सोच रहा होता है, जैसा बैठेगा सोचना स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइविंग कर रहा होगा सोच रहा होगा, वॉक कर रहा होगा तो वो वॉक नहीं कर रहा, ठीक, वो सोच रहा है। जब आप जॉगिंग करते हैं आपकी आपको स्वेटिंग होती है, आपको आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, आपको फील होता है सांस चढ़ रहा है, तो जॉगिंग करें। ठीक, यानी कि वॉक करना आप रिकमेंड नहीं करती, नहीं करती, वो सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, वेट लॉस नहीं करेगा, नहीं होता, क्योंकि ब्रिस्क वॉक या जॉग जो है जॉग सबसे बेस्ट है, ठीक है, ठीक है ना। और अगर आपका स्टबर्न फैट है तो आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि एक उम्मीद साथ रखें, चाहे आपको साल लग जाए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। जब आपने एक सोच लिया ना कि ये मैं चीज़ें करूँगा और इससे कम हो जाएगा, तो आपको वन मंथ में भी फील होना स्टार्ट हो जाएगा मैं कम हो रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सुनहरा, मुझे बताएं, जब हम जिम जाते हैं भारी भरकम, वहाँ पर हम फीस भी दे देते हैं, और वो क्या होता है स्टार्टिंग में जो हम देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग नहीं, जो सब्सक्रिप्शन होती है या एडमिशन फीस होती है, एडमिशन फीस होती है, फिर मंथली भी एक भारी भरकम अमाउंट होती है, देन जब बारी आती है पर्सनल ट्रेनर लेने की, वहाँ पर हम कंजूसी कर लेते हैं, और स्पेशली जब आपके जो टारगेट्स हैं वो आपके ज़्यादा हैं, आपको बहुत होते हैं, बिल्कुल, तो क्या पर्सनल ट्रेनर के बगैर वो टारगेट अचीव करना पॉसिबल है? बिल्कुल है, अगर आप वही चीज़ होगी, अगर आपको अपनी सेंस आ चुकी है कि ये ट्रेनिंग मुझे सूट कर रही है, और एंगल्स की समझ है, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, लेकिन जरूरी बिल्कुल एंगल्स की समझ होना, ठीक है। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मैं कहती हूँ पर्सनल ट्रेनिंग लें, क्योंकि आपको वन टू वन ट्रेनिंग दी जा रही है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम महंगा सूट खरीद सकते हैं, मारिया भी कहीं ब्रांड पे हमें ऑफ लगे, वहाँ भागते हैं, खाने पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो असल चीज़ है अपने पे वहाँ पे हम नहीं करते हैं। असल चीज़ तो आपकी अपनी बॉडी है ना, अगर आप अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे तो कपड़ा आपको सूट करेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर पर्सनल ट्रेनिंग आपको मिलती है और आप कर सकते हैं तो जरूर लें। आई थिंक बड़ा बड़ा एक एज हो जाता है, जिस तरह मैं भी बहुत ज्यादा बहुत लिमिटेड चीजें पता होती है ना, मतलब अब मेरा कोई, मैं ट्रेनिंग को नहीं समझती या मैं ट्रेनर नहीं हूँ, और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा जिम मुख्तलिफ में जाके, या जो सालों में कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता है कि ये कर स्क्वाट्स कर लेते हैं, एब्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्लैंक्स ये कर लेते हैं, अब ये मेरी नो हाउ एक हद तक लिमिटेड है, लेकिन जो ट्रेनर है वो तो आपको प्रोफेशनली यू नो देख रहा है कि अच्छा इसके शोल्डर पे फैट है, या टमी फैट कैसे कम करना है, या यू नो लेग स्ट्रेंथ है या मसल स्ट्रेंथ है वो कैसे करनी है, उस पे भी जिम्मेदारी होती है, चाहिए होती है, बिल्कुल उस पे भी जिम्मेदारी होती है, भाई मैंने इनको रिजल्ट देने हैं, इनके टारगेट को अचीव करवाना है, ये उसकी जीत है, मेंबर की तो है लेकिन उसका भी तो नाम बने ना, वो अगर स्पीड में आया है तो लोग उसको तो अप्रिशिएट करेंगे, भी उससे करो वो अच्छी ट्रेनिंग करवाता है। सुनहरा मुझे बताइएगा, अगर 10 केजी कोई शख्स अपना वेट लॉस करना चाहता है तो विद अ प्रोफेशनल ट्रेनर कितने टाइम में इन अ हेल्दी वे पॉसिबल है? सिक्स मंथ मैं कहती हूँ अपने को थोड़ा टाइम दे, सब्र करे और इंजॉय करके, यानी कि स्ट्रेस लेके नहीं। मेरे पर एक क्लाइंट आई, बड़े मजे की बात बताती हूँ, मेरे पर क्लाइंट आई, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, कहती प्लीज मुझे ना एक महीने में पतला कर दे, मुझे नहीं पता, पर्सनल ट्रेनिंग ली थी, आप जितने पैसे कहेंगे ना मैं आपको, मैंने कहा ओके वन मंथ में क्या है, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। अच्छा, इतना जल्दी याद आया, पहले तो ये कहना था ये जब अगले महीने शादी है, जब आपका टमी निकल रहा होता है तब भी आपको एक अलार्म बजना चाहिए यार मैं हेल्दी हो रही हूँ। अपने आप से प्यार करो ना, आप तो इतनी अवेयरनेस होगी, हर बंदी पतली है, हर बंदा प्यारा है, तो अवेयरनेस इतनी तेजी से फैल रही फिटनेस की, जब आपको फील हो या थोड़ा सी फैट आ रहा है आप उसको फौरन कंट्रोल करो ना, तो वेट करो कर लेंगे, जब ये सोच के बैठ गए तो स्टबन फैट बन गया। नेक्स्ट मंथ आपकी शादी है, आप एक महीने में, अब मैं सर पर बैठी यार इसको तो मैंने पतला करना ही है। शादी है। अच्छा तो फिर उन खवातीन का क्या, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जिम जाके, वहाँ पे यू नो जो गॉसिप्स है ना, वो मैं हवा, अच्छा मैं देखती हूँ कि जो लड़के ट्रेनर लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उनको पता है यू नो व्हाट टू डू, और सारा गॉसिप्स नहीं करते ना, कोई बात नहीं कर रहे, और आ रहे हैं अपना पूरा जो एक डेढ़ दो घंटा है वो यू नो जिम को दे रहे हैं। अब मैं देखती हूँ जब खवातीन के आप सेक्शंस पे जाते हैं, वहाँ पे खवातीन यू नो ग्रुप्स बने हुए हैं, चार इधर बैठी हुई हैं, तीन उधर बैठी हुई हैं, और वो ट्रेनर भी साथ, वो गप्पे मार रहे हैं, मुझे लगता है वो घरेलू औरतें होती हैं, घरेलू जिनको थोड़ा बाहर जाके थोड़ा सा उनका भी दिल करता है ना वो कि वो भी फिट हो जाए, लेकिन वो यू नो सिंसियर नहीं होते, मैं हमेशा सुन रही होती हूं और वो बता रही थी कि यार देखो ना मैंने कितना वो काम किया, स्ट्रेस वो कल आके जिम में एक्सरसाइज की, ये किया वो किया, और फिर घर जाके बिरयानी खा ली। अब वो ट्रेनर भी सर पकड़ के बैठ गए कि यार तुमने बिरयानी नहीं खानी, नहीं खानी, क्यों खाई, सुन नहीं, अब मैं एक हफ्ता और लगा, मैंने इसका हल निकाला,
मैंने बहुत देखा है, बहुत है, ये नेचुरल है। अच्छा, इसका मैंने हल निकाला कि मैं अपने मेंबर को कहती हूँ ये डाइट प्लान है, मैंने आपके मुताबिक बनाया, मुझे इसकी पिक्चर चाहिए। अच्छा, मैंने खाने की, खाने की, बिल्कुल मुझे बताओ कहाँ है, नाश्ता नहीं अब तक आया आपको, लंच नहीं आया, जुनैरा वो यहाँ थी वहाँ थी, मैं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पिक्चर चाहिए। नहीं, फिर बाद में पे ट्रेनर पे मत डाले ना कि भाई आपने तो कुछ करवाया नहीं, मैं बिरयानी किस्म की हूँ, फिर मैं इनको थोड़ी धमकी लगाई थी कि आप किसी और से ट्रेनिंग कर लें, मैं नहीं करवा सकती आपको। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता इंसान का, जब मुझे नजर आएगा मेरा क्लाइंट जो है वो स्मार्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट आएगा। तो जुनैरा, खाना कितना इम्पोर्टेंट है, वही जो हमने बात सुनी हुई है, जो इक्वेशन हम समझते हैं कि 70% इट्स अबाउट फूड एंड 30% जो है वो आपकी एक्सरसाइज है। तो जब हम खाने पे ही इतना वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और जिम में जी जान लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर तो कोई फायदा ही ना होगा। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं चीट मील का डे रखा हुआ है, बड़े फखर से कहते हैं यार संडे को हमें चीट मील करना है वीकेंड पे। मैं कहती हूँ हर दिन चीट मील बनाओ, हर दिन पोर्शन कंट्रोल। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये फार्मूला, से मैथ्स के कितने फार्मूले होते हैं, अगर एक फार्मूला हम अपनी लाइफ में रख लें ना कि सब कुछ खाओ लेकिन पोर्शन कंट्रोल, आप लिख लें कभी मोटे नहीं होते, नहीं होंगे कभी भी नहीं होंगे। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, मैं डेली जलेबी खाती हूँ, लेकिन इतनी कि मैंने अपने माइंड को समझाया है। फिर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इतनी जलेबी के बाद ही करनी है ना, क्रेविंग खत्म करनी, मुझे पता है कि मुझे कल भी मिलनी है, कल भी मिल जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि आज मैं किलो खा जाऊं जलेबी तो खत्म मिलनी नहीं है, ये पता नहीं कोई ले जाएगा, फिर तो समझो आप गए। सब्र तहम्मुल, अपने आप से प्यार, डेली खाओ, पोर्शन कंट्रोल। अब मेरे क्लाइंट्स के साथ अक्सर हाई टी होती है, बाहर जाती हूँ तो सब कहते हैं तुम तो नहीं खाओगी, और मैं क्या करती हूँ सब कुछ प्लेट में इतना इतना पोर्शन इतना, इतना, इतना ये नहीं होता कि यार जल्दी खाओ वो खाने, जल्दी खाओ सब कुछ डाल दिए, इतना खाया पेट भी फुल, सब कुछ टेस्ट कर लिया, क्रेविंग भी खत्म। अच्छा जुनैरा, ये सिचुएशन कब आती है? अक्सर मेरे पे भी समटाइम आई, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी और बाकी खवातीन को भी शायद ऐसा सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, जब आप जिम फ्रीक होते हो या जब आप जिम कर रहे होते हैं, फिटनेस का ख्याल रख रहे हो, तो देर इज़ अ स्टेज कम कि आपको आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है। ऐसा कब होता है और ऐसा क्यों होता है, या हम ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं? क्योंकि यूजली हम यही सुनते हैं ना कि ये तो ताजगी का एहसास है, या एक्सरसाइज करेंगे आप जिम करेंगे हमारी स्ट्रेस के हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे और यू नो यू विल फील गुड। बिल्कुल, लेकिन बॉडी फटीग में जा रही है, सो क्या गलतियाँ कर रहे हैं? आपने अक्सर जिम में देखा होगा कि लोग, कुछ लोग होते हैं वो स्वेटिंग हो रही है, एग्रेसिव होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और हैवी वेट ट्रेनिंग के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। अगर आप हर चीज को मतवाजन, यानी क्या कहते हैं, बैलेंस में करनी है ना, बैलेंस करनी है, लेकिन चले कि जैसे वही बात आ गई, आज खाना मिल रहा है खत्म नहीं होगा, इसलिए आप अपने आप को इजी रखें, वर्कआउट बैलेंस करें कि आज ये करना है कल वो करना है वो करना है। जब आप लोग अपनी बॉडी को यूज्ड टू कर देते हैं बहुत ज़्यादा डेली एक ही वर्कआउट, तो क्या होता है कि वो स्टबन हो जाता है। अच्छा, कितनी देर के बाद वर्कआउट चेंज करना है पैटर्न उसका? डेली भी कर सकते हैं। अच्छा, डेली या एक हफ्ते बाद, मैक्स आपका एक हफ्ते बाद आप होना चाहिए कि मैं अपना थोड़ा वर्कआउट चेंज करता हूँ। ओके, क्या होगा, मज़ा आएगा आपको, मज़ा आएगा, मैंने एक हफ्ते ये किया वो किया। अपनी लाइफ में ना खुद ट्विस्ट लेके आना है, ना तो किसी पे डिपेंड करना है कि उसने चेंज करना। अच्छा, मुझे जुनैरा क्विकली आंसर कीजिएगा कि जब हम जिम जाते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फॉर वेट लॉस? जिस तरह से आपने 10 kg के बताया कि ग्रेजुअली स्लोली गिव योर सेल्फ टाइम, 6 months के अंदर आप एक अच्छा हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। जब जिम जा रहे हैं तो कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट है और उसके साथ अदर जो एक्सरसाइज हैं, क्योंकि हमने देखा कुछ लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं अदर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो क्या वो पैटर्न भी ठीक है? 40-45 minutes सिर्फ आप मशीन्स को दे रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, अक्सर आप बहुत हेल्दी लोग, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हाँ जी हाँ, लोग कहते हैं हाँ दिल की धड़कन तेज हो रही है, रुक जाओ रुक जाओ, पर डॉक्टर्स कहते हैं अच्छी बात है कि दिल की धड़कन तेज होना। अक्सर आपने देखा होगा जो बहुत मोटी होती है उनको ट्रेनर क्या होते हैं, वेट ट्रेनिंग करवा रहा होता है, भाई पहले उसको कार्डियो करवाओ ताकि उसका वेट कम हो, उसका फैट जो है जो वो थोड़ा सा कम हो, उसके बाद हम वेट ट्रेनिंग की तरफ आए ताकि उसकी बॉडी टोन हो। यानी कि हर चीज़ का एक तरीका है, हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, इसलिए आपका वर्कआउट डिफरेंट है, मेरा वर्कआउट डिफरेंट है, आपको मैं किसी और तरीके से लेकर चलूंगी और दूसरों किसी और तरीके से। अब मैं ये देखूंगी उस क्लाइंट के लिए कार्डियो बेहतर है, मैं उसको देखूंगी उसकी बॉडी बहुत लूज है, सैगी है, उसके लिए वेट ट्रेनिंग बेस्ट है। तो हर चीज़ चेंज है, हम एकदम नहीं कह सकते कार्डियो ही बना हुआ है, वेट ट्रेनिंग ही बनी हुई है। मेडिटेशन
अपने साथ कम अज कम 5-10-20 मिनट तो जरूर के देखें, आपको इश्क हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल। अच्छा चले, इस पे भी मेडिटेशन, ये तो सुरेरा ने हमें अपने नेक्स्ट शो का टॉपिक दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ, एंड बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत मज़े की गुफ्तगू रही और बहुत सारी टिप्स भी मिली, स्पेशली कि पॉजिटिव रहना जो है वो कितना ज़रूरी है। और किसी भी काम के लिए, आपका कोई भी लाइफ में टारगेट है, आप कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ का सुकून होना और यू नो एक होप होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वंस अगेन सुनैरा फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।